हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेस। तो आज हम क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है रेट ऑफ रिएक्शन पर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कैटलिस्ट का इफेक्ट देखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट होता क्या है। ठीक है, कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट है जैसे कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो रही है और हमें वो फास्ट करानी है, तो उसमें अगर हम कैटलिस्ट की थोड़ी सी अमाउंट डाल दे तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो उस रिएक्शन में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो कैटलिस्ट की बात करें तो आपने विल्किंसन कैटलिस्ट सुना होगा, ठीक है, और कई ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी है जो कैटलिस्ट की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट है। तो इसकी एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है, द सब्सटेंस विच जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग विदाउट इसमें लिखिए आप इट्सेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कैटलिस्ट। वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि वो इतना हो सकता है कि उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाए, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा। ये हो सकता है जैसे कोई सॉलिड डाला हमने तो हो सकता है लिक्विड की फॉर्म में मिल जाए, वेपर्स की फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, ये नहीं होगा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो सकता है, तो ये कैटलिस्ट होता है। ठीक है, इतनी बात करने के बाद में अब हम क्या देखेंगे, तो जो कैटलिस्ट है ये है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, और इधर आपकी क्या है, एनर्जी। तो यहां पे आपके रिएक्टेंट्स है मान लो, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, और एक ये है। तो ये दो रिएक्शन पाथ हैं, रिएक्शन पाथ वे विदाउट कैटलिस्ट। ये वो रिएक्शन पाथ वे है जब हमने कैटलिस्ट नहीं डाला है, और ये है जब हमने कैटलिस्ट डाल दिया, तो विद कैटलिस्ट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपकी ये वाली क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसको ई ए वन बोल सकते हैं। इस केस में आपकी ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ई ए टू। और आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां से ये वाली आपकी जो इतनी है कंप्लीट, ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ई टी वन बोल देंगे। और इस केस में आप क्या बोलेंगे, ये वाली है जो, उसको ई, अगर इसको वन बोला तो इसको वन बोल लेंगे और इसको टू बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें देखो कैटलिस्ट कैटलिस्ट ने क्या काम किया है, कैटलिस्ट ने ये काम किया है कि जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है ये इतनी थी पहले, उसको डिक्रीज कर दिया है, और जैसे ही एनर्जी डिक्रीज हो गई है तो जो ये रिएक्टेंट है वो इजीली किसमें, प्रोडक्ट में जा रहे हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट का मेनली यही काम होता है।
अब ये कैटलिस्ट का जो कैटलिस्ट किस थ्योरी या प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो देखने वाले हम। तो कैटलिस्ट का जो वर्क है मतलब कैटलिस्ट किस तरह से वर्क करता है वो किससे देखेंगे हम, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, इसकी हेल्प से हम जो कैटलिस्ट है वो किस तरह से काम करता है वो देखेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी आपकी क्या कहती है, ये कहती है कि कैटलिस्ट है वो पहले रिएक्टेंट्स के साथ में क्या करेगा, अटैच होगा, ठीक है, और वो क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट ऐसे कुछ। उसके बाद क्या होगा, जो ये इंटरमीडिएट बनेगा आपका, ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट आपका शॉर्ट लिव्ड होगा, शॉर्ट लिव्ड होने के कारण ये क्या हो जाएगा, डीकंपोज, ये डीकंपोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिकम्पोज होके क्या, ए और बी और सी, तो ये कैटलिस्ट क्या हो गया, रीजेनरेटेड, ठीक है। तो कैटलिस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है, कैटलिस्ट ने इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाई है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी आपकी ये कहती है, ठीक है, ये कैटलिस्ट का वर्क है कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है। इसके बाद आप इसमें एक लाइन लिखेंगे, कैटलिस्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन में भाग लेता है, ठीक है, वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और क्या करता है, कैटलिस्ट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है, विच इज लोअर एनर्जी, लोअर इन एनर्जी देन द इंटरमीडिएट विदाउट कैटलिस्ट। तो ये आपने देखा कि कैटलिस्ट जब इस केस में देखें तो कैटलिस्ट नहीं था, तो आपका इंटरमीडिएट यहां पे बन रहा था, ठीक है, तो यहां पे दूसरे केस में यहां पे इंटरमीडिएट बन रहा था, तो इस केस में क्या हुआ है, जो इंटरमीडिएट है उनकी एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज है। तो जो ये इंटरमीडिएट है जिसमें कैटलिस्ट है प्रेजेंट है, तो उसमें क्या है, उसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी कम होगी तो वो जल्दी इसमें जाएगा, ठीक है, और एनर्जी ज्यादा है तो वो थोड़ा लेट जाएगा, ये रिएक्शन थोड़ी लेट होगी जिसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट था रेट ऑफ रिएक्शन पर, ठीक है। अब कैटलिस्ट की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, या एक बार इसको हम दोबारा देख लेते हैं। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी ये कहती है कि जो आपके ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, कि कैटलिस्ट पहले रिएक्टेंट्स के साथ कंबाइन होगा, उसके बाद वो इंटरमीडिएट बनाएगा, इंटरमीडिएट आपका शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड होने के कारण ये क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा, डीकम्पोज होते ही ये ए प्लस बी प्रोडक्ट देगा और दूसरा क्या, रीजनरेट हो जाएगा कैटलिस्ट, इतनी बात होगी। दूसरी आपकी क्या है कि कैटलिस्ट इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन में भाग लेता है, ठीक है, और जो जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट है प्रेजेंट है, जिस रिएक्शन पाथवे में, उसकी एनर्जी
कम होगी किससे, जिसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये बात हमने यहां पे लिखी। तो ये आपका हो गया है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम कैटलिस्ट की जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। तो इसमें आप इसको भी इरेज कर लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसमें हम पहला क्या लिखेंगे, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट या इसमें आप लिखेंगे कैटलिस्ट जनरली मेनली तो क्या करता है, इंक्रीज भी करता है लेकिन कई केस में ये डिक्रीज भी कर देता है। तो कैटलिस्ट सबसे पहला काम क्या करता है, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है। दूसरा क्या लिखेंगे, लेस अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशियंट, कि भाई थोड़ी सी अमाउंट होती है ना जो कैटलिस्ट की वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तीसरा आप क्या लिखेंगे, कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उनको कैटलिस्ट भी इनिशिएट नहीं कर सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई है, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई है। फोर्थ में आप क्या लिख सकते हैं, जैसा कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि कैटलिस्ट की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है, तो कैटलिस्ट ये इसमें आप क्या लिख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। कैटलिस्ट की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, फिफ्थ क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ इसमें आप लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम पे, कैटलिस्ट डज नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम बिकॉज इट इक्वली इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्टेप। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं करता, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड स्टेप है और रेट ऑफ बैकवर्ड स्टेप है ये उसको बराबर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है जो इंपॉर्टेंट है। ये हमने कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी देख ली या कैरेक्टरिस्टिक, पहला क्या है कि कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली इंक्रीज करता है। दूसरा, कैटलिस्ट की बहुत थोड़ी अमाउंट ही सफिशियंट होती है
कैटलिस्ट है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज है कैटलिस्ट की, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। पांचवा क्या है इसमें, कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्टेप को इक्वली इंक्रीज करता है, जिससे कि इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये कैटलिस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो ये आपकी 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, ये आपका कैटलिस्ट हो गया है। इसके बाद क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन था जो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस जो होता है वो रह गया था, और ये कई बार 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट के, एक साइड आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी साइड लिखेंगे रेट कॉन्स्टेंट के। तो पहली चीज क्या लिखनी होती है, डेफिनेशन। किसी भी चीज में जब हम डिफरेंस बताते हैं तो डेफिनेशन, हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इसमें आप क्या लिखते हैं, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट्स इज 1 मोलर इन रेट लो एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ या पर यूनिट टाइम के साथ कितना चेंज हुआ है वो आपकी होती है रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट कांस्टेंट क्या होता है, जब आपकी रेट लो एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो है उसमें आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है, तो उस कंडीशन में हम जो रेट आती है उसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। तो जब आपकी ये ए और बी दोनों 1-1 होगी, ए और बी की वैल्यू 1 होगी, तो उस केस में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगी उसको आप क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होता है, दूसरा डिफरेंस हम इनकी यूनिट्स का ले सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट्स होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। और इसकी यूनिट आपको पता है ऑर्डर के ऊपर ये डिपेंड करती है, इट्स यूनिट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये आपका दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, और जो के है वो आपका कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन है जो वो आपकी डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, और ये क्या होती है, डज के does not depend on concentration। तो ये आपके 3 डिफरेंस हो गए हैं दोनों के बीच में।
पहला क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा क्या है रेट कॉन्स्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है, जब रेट लो एक्सप्रेशन में जितने भी रिएक्टेंट है सबकी कंसेंट्रेशन वन हो जाती है तो उस केस में आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रेट कॉन्स्टेंट। दूसरा ये है इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होती है, वो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है, वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और जो आपका के है वो आपका कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद क्या देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखने वाले हैं। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बच जाएगा, कोलिजन थ्योरी। उसके बाद हमारी यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद कुछ एक या दो वीडियो और आएगी जिसमें हम एनसीईआरटी और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपकी जो यूनिट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मैं ये आर ओ आर बार बार लिख रहा हूँ, इसका आप समझ रहे होंगे, मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो पहला फैक्टर आप क्या लिख सकते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। पहला फैक्टर इसमें ये है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स देखो, जैसे कि ये है NO प्लस O2 NO2, CO प्लस O2 CO2, ठीक है। ये दो रिएक्शंस हैं, पहला आपका ये होगी और दूसरी है आपकी ये। तो ये आपकी पहली वाली जो है वो आपकी स्लो रिएक्शन है। पहली वाली रिएक्शन आपकी कैसी, फास्ट। पहली वाली आपकी फास्ट रिएक्शन है, ये आपकी फास्ट रिएक्शन है और ये आपकी स्लो रिएक्शन है। देखने में दोनों रिएक्शन कैसी एक जैसी लग रही है, लेकिन इसमें क्या होता है, नेचर का कैसे डिफरेंस आता है। तो देखो, इसमें जो ये पहले वाला है इसमें कुछ अलग टाइप के बॉन्ड है और इसमें कुछ अलग टाइप के बॉन्ड है, तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और उसी तरह से जो अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनेंगे उसमें भी जो एनर्जी है वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसलिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट है वो अलग अलग होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग अलग होता है। फॉर डिफरेंट रिएक्शंस या डिफरेंट रिएक्टेंट्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट, ठीक है। दूसरी समझें तो गैस होती है, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसमें, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड के केस में। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है, जो केमिकल स्टेबिलिटी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी केमिकल स्टेबिलिटी के। दूसरा आप इसमें क्या देख सकते हैं, कंसंट्रेशन का इफेक्ट। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, देखो रेट लो में मैंने आपको बताया था रेट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि इसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ए बी नहीं लिख के हम इसमें रिएक्टेंट्स लिख लेते हैं, चलो की पावर अल्फा बीटा जो भी था, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वैसे वैसे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन वो भी क्या होगा, डिक्रीज या
इंक्रीज होगा। तो इससे आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, रेट ऑफ इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इंक्रीजेज देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज देन ऑल्सो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेज। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा इफेक्ट क्या देख सकते हैं, कैटलिस्ट का। तो तीसरा इफेक्ट किसका है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली इंक्रीज करता है, जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इट्सेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, ठीक है। कैटलिस्ट में जैसा कि डेफिनेशन में हमने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, लेकिन उसमें कोई उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद आप सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट ले सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट कैसे वो करेंगे, एक बार ये है, नेचर देख लिया हमने, कंसंट्रेशन देख ली और कैटलिस्ट। तो तीसरा क्या है, सरफेस एरिया है कैटलिस्ट का, सरफेस एरिया। तो कैटलिस्ट का सरफेस एरिया किस रिएक्शन के लिए, किन रिएक्शन में मैटर करता है, जो रिएक्शन कैटलिस्ट की सरफेस पे होती है, ठीक है। तो उन रिएक्शन में जो सरफेस एरिया है कैटलिस्ट का, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। फोर्थ फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट भी आपको बहुत ज्यादा मैटर करता है फॉर दोज रिएक्शंस। विच टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट इफ द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका उल्टा भी होगा एंड वाइस वर्सा। अगर हम सरफेस एरिया कैटलिस्ट का कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम भी होगा। फिफ्थ इफेक्ट आप किसका देख सकते हैं, लाइट का, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोल सकते हैं इसको, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे कि H2 प्लस Cl2 2HCl HNU, अगर हम इसमें हीट प्रोवाइड कर दें तो ये रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या है, जो इंटेंसिटी ऑफ या रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होगी तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी, सही है। तो नेक्स्ट इफेक्ट किसका ले सकते हैं हम, टेम्परेचर का।
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, मैंने बता दिया था, हर 10 डिग्री या 10 से ज़्यादा 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन है जो बिकम्स ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, वो डबल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगला इफेक्ट आप ले सकते हैं प्रेशर का, प्रेशर में भी वही है, ये भी प्रेशर भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन के, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये 7 फैक्टर हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। पहला उसमें क्या था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में हमने क्या देखा, अलग अलग रिएक्शन है उनमें अलग अलग रिएक्टेंट हैं, तो उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग अमाउंट में एनर्जी चाहिए और अलग अलग अमाउंट में जो बॉन्ड है अलग अलग हैं और जो बॉन्ड बनेंगे वो भी अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनेंगे, तो उसमें भी जो आपकी एनर्जी है वो अलग अलग टाइप की इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट इस तरह से जो आप बोल सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन पे अफेक्ट डालेगा। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, दूसरा हमने लिया था कंसंट्रेशन का, तो रेट लो से हमने उसको देख लिया था कि कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर होएगी कब, जब कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो इंक्रीज होगी और रेट ऑफ रिएक्शन आपकी डिक्रीज होगी जब कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की वो डिक्रीज होगी। तीसरा हमने कैटलिस्ट की बात करी, कैटलिस्ट की केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता रिएक्शन के दौरान, ठीक है, और जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है जो क्यों वो सरफेस एरिया है जो कैटलिस्ट का वो किस तरह से किसी भी रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट डालता है, जो सरफेस एरिया है कैटलिस्ट का वो रेटो जैसे जैसे जो रिएक्शन कैटलिस्ट की सरफेस पे होती है उस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे कैटलिस्ट का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है इंक्रीज हो जाती है, और जैसे जैसे कैटलिस्ट का सरफेस एरिया कम होता है उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट का इफेक्ट देख लिया हमने, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपकी क्या होगी इंक्रीज होगी और डिक्रीज करेगी जब रेट ऑफ जब आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होगी। टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने आपको बता दिया था मैक्सवेल में भी और अरहेनियस के कॉन्सेप्ट से भी, प्रेशर भी सेम वही वर्क करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर इंक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।